हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती इंग्लिश क्लास में। मैं समीर सिंह लेकर आया हूँ आज फिर से आपके लिए। ये एक पोएम है क्लास 10th CBSE बोर्ड का फर्स्ट फ्लाइट का। ये 9th पोएम है जिसका नाम है फॉग। है तो बहुत छोटा पोएम, अगर आप देखें तो सिर्फ 2 सेंटेंस का ये पोएम है टोटल। ये फर्स्ट सेंटेंस, यहाँ फुल स्टॉप है, यहाँ फुल स्टॉप है, 2 ही सेंटेंस में और 2 स्टेंजा में इसको डिवाइड किया है हमारे पोएट कार्ल सैंडबर्ग महोदय ने। फिर तक फर्स्ट आपका है और उसके बाद ये सेकंड आपका है। तो टोटल अगर हम देखें यहाँ पे तो 6 लाइंस हैं और ये एक्सटेंडेड मेटाफर है। यानी टोटल जो पोएम है ना वो आपका एक्सटेंडेड मेटाफर है। एक्सटेंडेड, आप अगर इसके पहले वाले वीडियो को देखे हों ट्रीज वाला, वो भी आपका एक्सटेंडेड मेटाफर है। यानी कि पूरी की पूरी पोएम जो है वो मेटाफोरिकली जो है यहाँ डिवाइज की गई है, है ना। कंफर्म करने के लिए 6 लाइंस हम अगर देखें तो 2 स्टंजा में ये बने हुए हैं। कोई रामिंग स्कीम नहीं इसमें, कोई मीटर नहीं है, इसलिए ये पोएम जो है फिर से फ्री वर्स है। यानी कि इसके पहले वाले भी पोएम्स जो थे वो मैक्सिमम फ्री वर्स में ही थे, तो यहाँ भी आपका ये फ्री वर्स है, ठीक है, जिसमें कोई राइम नहीं, कोई मीटर नहीं। हम चलते हैं पहले फॉग के बारे में जानने, पोएम के बारे में जानने, क्यों पोएम का नाम फॉग पड़ा और क्यों महोदय ने सिर्फ 2 ही स्टेंजा में, 2 ही सेंटेंस में ये पूरी की पूरी पोएम को रख दिया है। फिलहाल हम कॉल स्टैंडबर्ग के बारे में जान लें, उसके बाद अबाउट द पोएम जानेंगे हम, फिर पोएम को कंफर्म करेंगे लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, फिगर ऑफ स्पीच को देख करके ध्यान से। तो यहाँ है, देखिए ये है महोदय कॉल अगस्त स्टैंडबर्ग, सैंडबर्ग तो ये फुल नेम है सैंडबर्ग महोदय का, जो January 6, 1878 में इनका बॉर्न हुआ था। इनका ये बर्थ ईयर, बर्थ डेट है July 22, 1967 में इनका डेथ हुआ था। ये एक अमेरिकन पोएट, एक बायोग्राफर, एक जर्नलिस्ट और एक एडिटर थे। यहाँ देखिएगा ये 3 बार पुलित्जर प्राइज पाए थे, है ना, 3 बार, एक बार दो बार नहीं बल्कि 3 बार। ऐसे हमारे महोदय और भी हैं, आपको शायद याद हो कि एक और पोएट थे जिन्होंने 4 टाइम्स पुलित्जर प्राइज पाई थी। नाम क्या है अगर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में जो लिखिएगा। टू फार इज पोएट्री, और हाँ मैं आपको हिंट दे दूं, वो पोएट आपके इसी बुक्स में हैं, जितने भी आपने अभी तक पोएम्स पढ़े हैं उन्हीं में से वो एक पोएम है जिन्होंने 4 टाइम्स पुलित्जर प्राइज पाई थी। 2 बार ये पोएट्री के लिए पाए हैं और एक बार बायोग्राफी, जो अब्राहम लिंकन जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उनके बायोग्राफी लिखने के लिए ये पाए हुए थे। देखिएगा ध्यान से, इनकी जो कलेक्टेड वर्स हैं, जो मेन इनका पोएम है वो है शिकागो पोएम्स, जो 1916 में पब्लिश हुआ था। शिकागो, तो शिकागो आपको पता होगा अमेरिका का एक स्टेट है, तो उसी के नाम पर शिकागो पोएम्स लिखा था 1916 में। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये फॉग है, नहीं पता है तो बता दूं मैं आपको, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपके लिए आसानी हो। हम चलते हैं फिर से बैक में, देखिएगा ये है आपका अबाउट द पोएम। फॉग जो है ना, ये कार्ल स्टैंडबर्ग का फर्स्ट एपियर्ड था। आपको यहाँ बताया जा रहा है ये कि शिकागो जो पोएम्स है वहीं से लिया गया है ये, जो 1916 में पब्लिश हुआ था। तो आपको ये याद करनी है कि जो फॉग है वो शिकागो पोएम्स का एक पार्ट है, ठीक है। जो मेन चीज़ है वो ये मुझे बतानी है कि आखिर फॉग का नाम क्यों पड़ा, आइडिया कैसा है इस पोएम को लिखने का। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं आपको ओरली बता दे रहा हूँ। एक दिन ऐसा हुआ कि जब ये जज से मिलने जा रहे थे, एक इंटरव्यू था तो कोर्ट में, तो वहाँ पर ये जा रहे थे, अपने हाथ में ये जापानीज हाइक्यू लिए हुए थे। हाइक्यू क्या है, हाइक्यू एक प्रकार से पोएम है, पोएम का एक फॉर्म है जो 3 लाइन में लिखी जाती है, 17 सिलेबल्स में लिखी जाती है, बहुत छोटा, सबसे छोटी पोएम अगर मानी जाती है तो वो हाइक्यू मानी जाती है, जो 3 लाइन में होती है। तो महोदय जो है वो एक जापानीज हाइक्यू की बुक लेकर के जा रहे थे। अब चूंकि उनको जल्दी जाना था इसलिए वो शॉर्टकट ले लिए ग्रांट पार्क से, ग्रांट पार्क से होकर के ये शिकागो हार्बर के पास से होकर के जो बंदरगाह होता है वहाँ से शॉर्टकट ले लिए। वहाँ इनको फॉग दिखा, भाई शिकागो हार्बर ये बंदरगाह के ऊपर से फॉग दिखा, तो फॉग के कारण जो महोदय थे वो लेट तो हुआ लेकिन फिर भी शॉर्टकट लेने के कारण ये वहाँ बहुत जल्दी पहुँच गए, और ये 40 मिनट पहले पहुँच गए जज से मिलने के लिए। और चूंकि इनको वेट करना पड़ा 40 मिनट, और वेट करने के लिए इनके पास कुछ था नहीं, इसलिए इन्होंने डिसाइड किया कि ये अमेरिकन हाइक्यू लिखेंगे। हाइक्यू तो जापानीज होता है बट ये अमेरिकन हाइक्यू लिखेंगे। हाइक्यू 3 लाइन की होती है और इन्होंने इसको डबल करके 6 लाइन की कर दी, ठीक है। तो ये हाइक्यू से प्रेरित होकर के महोदय ने
लिखी हुई है। और क्यों लिखी है आपको यहाँ बता दिया गया, वेट करने के कारण, ताकि ये टाइम इनका पास हो जाए। वो इन्होंने देखिए सोचे, आप एक बार सोचे कि 40 मिनट कोई वेट नहीं करना चाहता है, आप हम हों दो दो घंटा तीन तीन घंटा वेट और वेस्ट कर लेते हैं कुछ बिना काम किए, लेकिन ये महोदय 40 मिनट अपना वेस्ट नहीं किए, उसमें भी एक ऐसा काम कर गए जो हम आज इनको पढ़ रहे हैं इतनी बेहतरीन पोएम मान करके। तो चलते हैं हम पोएम में सीधे बिना टाइम वेस्ट किए। ये है फॉग। मैं आपको इसको बताने से पहले, फॉग को कन्फर्म करने से पहले मैं आपको बता दूं कि क्या क्या चीज़ें हैं जिससे आप आसानी से समझ जाओगे। देखिए ये है एक सीनरी जिसमें फॉग है और एक कैट है। फॉग का कैट से यहाँ तुलना की गई है। मैंने आपको बोला कि पूरी पोएम जो है वो मेटाफर है, तो इसमें एज लाइक सो तो नहीं होगा, बट डायरेक्टली यहाँ पे तुलना की गई है, उपमा दी गई है कि फॉग जो है वो कैट की तरह है। क्यों है इसकी तरह, क्या है ऐसी खासियत फॉग की जो कैट के खासियत से मैच करती है, अभी हम देखेंगे पोएम में। यहाँ हम देख लें, ये है आपका फॉग जो हार्बर और शिकागो सिटी के ऊपर है। देखिए ये हार्बर है जो कि आपको पता ही है कि एक बंदरगाह को कहते हैं, और ये शिकागो जो अमेरिका का एक स्टेट है जिसका नाम है, ये सिटी, यहाँ पोएम में सिटी लिखा है, शिकागो ने लिखा है, लेकिन आपको ये जानना है। तो सिटी के ऊपर और ये हार्बर के ऊपर ये फॉग है, ठीक है, आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ फॉग हार्बर के ऊपर और सिटी के ऊपर से क्या मतलब है। हम बैक में आए तो ये आपको मिलेगा एक लाइन में, साइलेंट हॉन्चेज मिलेगा वो, साइलेंट हॉन्चेज, लेकिन हमने यहाँ लिखा है साइलेंट हॉन्च्ड कैट। ये क्या होता है, खामोश। देखिए बिल्ली ना बड़ी खामोश होती है, तुलना क्यों हो रही है फॉग से कैट की, क्योंकि फॉग बड़ी खामोशी से बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के, जहाँ मन करता है वहाँ चली जाती है, फिर कहीं बढ़ जाती है, कहीं और आगे बढ़ जाती है, जहाँ मन करे उसका घूमती रहती है। कैट भी जो है वो स्वच्छंद होती है, फ्री होती है, बिना किसी बर्डन, बिना किसी रुकावट के, जहाँ मन करे वहाँ जाती है, वो भी शांत होकर के, खामोश होकर के, वो भी तभी ज़्यादा शांत होती है जब अपने हॉन्च्ड पर होती है। हॉन्च्ड का मतलब होता है पृष्ठ भाग, ये पीछे का भाग, पिछले पैर के पीछे के भाग को हम कहते हैं हॉन्च। जब ये हॉन्चिंग हालात में होती हैं, यानी कि मैं आपको समझाऊँ, ये जो इसका टेल है इसके ऊपर के पार्ट को कहते हैं हॉन्च। तो हॉन्चिंग के अगर पोजिशन में बैठी है, इसका मतलब है कि ये खामोश है, शांत है, फिराक में है अपने शिकार के, और बड़ी बड़े धीरे धीरे बिना किसी आवाज़ के अपने पैरों से चलती है, ये किसी को नहीं पता चलता है। ऐसे फॉग के बारे में भी किसी को पता नहीं चलता है, कब आ गई कब चली गई किसी को पता नहीं चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए तुलना फॉग से कैट की गई है क्योंकि वो स्वच्छंद है, फ्री है, अपने तरीके से जहाँ मन करे जिस जगह मन करे वो आ जा सकती है, कोई किसी को रोक नहीं सकता। तो ही कंपेयर्स दिस ग्लाइडिंग मूवमेंट टू द मूवमेंट ऑफ अ कैट, है ना। सो इट डज नॉट मेक एनी नॉइज, इट मीन्स द कैट डज नॉट मेक एनी नॉइज वाइल द कैट इज मूविंग। तो जब कैट मूव करती है तो ये नॉइज नहीं करती है, तो इसलिए यहाँ पे इसकी तुलना की गई। और एक और चीज़ कि द कैट कैन नॉट सिट एंड रिलैक्स इन वन प्लेस, है ना, ये एक जगह बैठ नहीं सकती है। ऐसे फॉग भी एक जगह बैठता नहीं है, बढ़ता रहता है। तो इसलिए यहाँ कहा गया है कि जो कैट है, द फॉग सिट्स ऑन इट्स हॉन्चेज फॉर वाइल एंड लुक्स ओवर द सिटी ऑफ शिकागो एंड इट्स हार्बर। तो लगता है कि जैसे कि फॉग जो है वो कैट की तरह बैठ गई है और फिर इधर उधर सिटी पर शिकागो के और इधर उधर हार्बर पर जो है ये फैल रही है। तो यहाँ आपको यहाँ कन्फर्म करना होगा कि ये जो है ये कैट के मूवमेंट को यहाँ इंडिकेट करता है फॉग, जो धीरे धीरे चलता है जैसे कैट। हम चलते हैं पोएम को कन्फर्म करने, छोटी पोएम है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। द फॉग कम्स, फॉग आती है ना, ऑन लिटिल कैट फिट, जैसे कि भाई आपको तुलना तो बताया गया है कि ये मेटाफर है पूरी की पूरी पोएम, तो तुलना की गई है कि फॉग वैसे ही आती है जैसे कि एक कैट अपने पैर पर छोटे छोटे पैरों से आती है, धीरे 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 कैट जो है वो आती है, वैसे फॉग भी जो है धीरे 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 आती है। इट सिट्स लुकिंग, और ये बैठ जाती है, ये फॉग बैठ जाती है जैसे कि बिल्ली बैठ जाती है और देखती है, किधर देखती है, ओवर हार्बर एंड सिटी, सिटी पर हार्बर पर ये देखती है, देखती है का मतलब फैल जाती है, बिल्ली बैठकर देखती है और ये सिटी और हार्बर पर फैल जाती है, ऑन साइलेंट हॉन्चेज, वो भी शांत होकर के पृष्ठ भाग से, जैसे अभी आपको मैंने दिखाया यहाँ पे कि शांत होकर के बैठ गई है हॉन्च होकर के, और ये देख रही है इस फिराक में, इस किसी जुगाड़ में है ये अपने किसी शिकार की तलाश में। फिलहाल जो शिकार यहाँ पे आपको अगर बताई जाए
फॉग के लिए, तो वो शिकार उसका ये है कि वो हर जगह फैलना चाहती है, उसकी शिकार में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, बहुत सारे लोगों को उस धुंध में, उस फॉग में साफ साफ दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ बताया गया है कि बड़े खामोशी से ये बैठ जाती है या फैल जाती है हार्बर और सिटी के ऊपर, वो भी हॉन्च करके, खामोश होकर के, एंड देन मूव्स ऑन, और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ती है। तो जैसे बिल्ली जो होती है वो आती है अपने छोटे छोटे पैरों से धीरे धीरे, फिर कहीं बैठ जाती है, ध्यान दीजिएगा जो मैं बता रहा हूँ, बैठ जाती है, फिर देखती है यहाँ वहाँ, कभी शहर की तरफ, कभी हार्बर की तरफ, और वो भी शांत होकर के अपने हॉन्च करके, जैसे आपको भी पोजिशन बताया मैंने, हॉन्च मतलब पृष्ठभाग, और फिर आगे बढ़ जाती है, मूव्स कर जाती है आगे, धीरे धीरे आती है, धीरे धीरे जाती है, स्वच्छंद होकर कहीं मन करता है कहीं जाती है। सेम यहाँ पे फॉग की तुलना की गई है कि फॉग जो है वो भी धीरे से आती है, फिर कहीं आके बैठ जाती है, रुक जाती है, ठहर जाती है, फिर हार्बर के ऊपर फैल जाती है, फिर सिटी के ऊपर फैल जाती है, फिर ये हॉन्च कर जाती है, खामोश होकर के कहीं पर बैठ जाती है और फिर आगे बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये है पोएम। आपको शायद पोएम समझ में आ गया होगा, अगर पोएम में कोई परेशानी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। क्योंकि वीडियो लेंदी ना हो इसलिए मैं आगे कुछ नहीं बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे वीडियोज़ लेंदी हो चुके हैं और लोग जो हैं इसके लिए क्लेम भी करते हों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हाँ, फोर जो थिंग्स हैं जो आपको करने हैं, करना होना चाहिए क्योंकि बहुत मेहनत लगती है भले ही वीडियो छोटा होता है, जो आपको पता है कि शेयर, सब्सक्राइब अगर आप नए होंगे तो आप जरूर करिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि लोगों को भी पता चले पोएम्स के बारे में, अपने फ्रेंड्स को भी, अगर आप फ्रेंड्स से अपने ईर्ष्या नहीं करते तो, और लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।